हेलो फ्रेंड्स, ये रिएक्टिव फोम की वीडियो का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एंगुलर में फोम एरे को हम कैसे यूज करते हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, रिएक्टिव फोम की वीडियोस का थर्ड पार्ट है। इससे पहले की वीडियो में हमने रिएक्टिव फॉर्म को बनाना सीखा था, उसको हमने सबमिट करके देखा था और अपने टाइपस्क्रिप्ट वाले फॉर्म को एचटीएमएल वाले फॉर्म से कनेक्ट किया था और उसके अंदर हमने वैलिडेशन को यूज किया था और कंट्रोल का एक्सेस लिया था और कंट्रोल्स को ग्रुप करना सीखा था। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म में फॉर्म एरे को कैसे यूज करते हैं। अब क्योंकि फॉर्म एरे का कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्म एरे को ही कवर करेंगे और उससे आगे के कंसेप्ट हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने रिएक्टिव फॉर्म की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उनको देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब दोस्तों, बात करते हैं हम फॉर्म एरे की। अब ये फॉर्म एरे क्या होता है और उसका क्या यूज है? आपने बहुत से फॉर्म में देखा होगा कि वहाँ पे आपको एक फील्ड दिखती है और उसके नीचे एक बटन होता है कि एड मोर फील्ड। अब दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, इस कोर्स के बाद मैं यहाँ पे एक और फील्ड बना देता हूँ स्किल्स की, और स्किल्स में हम क्या डाल सकते हैं कि जैसे HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular, तो वहाँ पे हम एक बटन और देंगे कि एड मोर स्किल, तो वहाँ पे यूजर अपनी पसंद की कोई भी स्किल एड कर सकता है। तो हम उसको बना के देखते हैं फॉर्म एरे के थ्रू। तो दोस्तों, उसके लिए हम ये यूजर नेम वाला पूरा सेट, डिव का सेट कॉपी कर लेते हैं। हम चलते हैं इसके HTML में और ये जो यूजर नेम वाला फॉर्म ग्रुप है, ये डिव है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं जेंडर वाले के बाद। अब यहाँ पे यूजर नेम की जगह हम लिख लेते हैं स्किल्स और यहाँ से ये सब हटा देते हैं और फॉर्म कंट्रोल नेम को फिलहाल हम ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटर स्किल्स या फिर लिख लेते हैं ऐड स्किल्स। अब हम इसको एक बार चल के चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अब इसके आने से ये जो जेंडर वाला था ये गायब हो गया, क्योंकि इसमें कुछ एरर आ गई है और वो इसलिए क्योंकि हमने फॉर्म कंट्रोल नेम अभी ब्लैंक कर रखा है। तो फिलहाल के लिए हम इसको भी हटा देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये ऐसा आ गया। अब हम क्या करते हैं, स्किल्स के नीचे एक ऐड करने का बटन भी डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनपुट के बाद एक बटन ले लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं ऐड स्किल्स, उसके आगे एक प्लस का सिंबल लगा देते हैं, उस बटन में क्लास लगा देते हैं बटन और बटन लाइट। अब इसको चल के एक बार देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बटन ये ऐसे आ रहा है। हम इसमें कुछ और क्लासेस लगा के इसको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बटन को थोड़ा छोटा दिखाना है, तो उसके लिए क्लास होती है बटन SM, यानी कि बटन स्मॉल। इसको टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, बिल्कुल चिपक रहा है ऊपर ये, तो उसके लिए MT3 यानी कि मार्जिन टॉप 3। अब दोस्तों, इस पे हम एक कस्टम क्लास लगा लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं बटन ऐड, और इस जो प्लस साइन है इसको हम आई टैग में रख लेते हैं ताकि हम इसको अलग से स्टाइल कर सकें। अब दोस्तों, मैं जल्दी से इस बटन का क्लास बना लेता हूँ बटन ऐड के नाम से। इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं इसकी क्लास में। तो दोस्तों, हमने इसकी क्लास बना ली है बटन ऐड की। अब हम इसको चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये इस टाइप से दिख रहा है। हम इसको माउस ओवर कर रहे हैं तो ये नीला सा बॉर्डर आ रहा है, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे होगा क्या कि हम जब भी इस ऐड स्किल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसी टाइप की एक और फील्ड यहाँ पे ऐड होती जाएगी। और दोस्तों, इसमें फॉर्म एरे क्या करेगा, फॉर्म एरे की हेल्प से हम यहाँ पे डायनेमिक फील्ड ऐड करेंगे और फॉर्म एरे की हेल्प से हम हर फील्ड को वैलिडेट भी कर सकते हैं, मतलब उसमें वैलिडेशन भी लगा सकते हैं और वो वैलिडेशन भी डायनेमिकली फॉर्म एरे के थ्रू ही लगेगी। तो दोस्तों, इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड में। अब दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म एरे को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक डायरेक्टिव यूज करना है और उस डायरेक्टिव का नाम होगा फॉर्म एरे नेम। और वो हम कहाँ यूज करेंगे, उस डिव पे करेंगे जो डिव इन सब चीजों को रैप कर रहा है, यानी कि फॉर्म ग्रुप। ये यहाँ पे हम इसको थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म एरे नेम और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्किल्स। अब दोस्तों, इस स्किल्स को कॉपी करते हैं और इसको अपनी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में इसका सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे जेंडर के बाद हम कोमा देते हैं और अब हमें क्या लिखना है, स्किल्स। और दोस्तों, इसका टाइप क्या होगा, अब यहाँ पे हम लिख रहे थे न्यू फॉर्म कंट्रोल, अब यहाँ पे इसमें हम क्या लिखेंगे, न्यू फॉर्म एरे। और यहाँ पे अगर हम क्लिक कर लेंगे तो ये ऑटो इम्पोर्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये ऊपर ऑटो इम्पोर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अब ये फॉर्म एरे है तो हम यहाँ पे एरे के स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अब फिलहाल हम इसमें एक कंट्रोल डाल लेते हैं जिसके लिए हमें क्या लिखना है, न्यू
फॉर्म कंट्रोल, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हटा लेते हैं वैलिडेटर। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक कंट्रोल पहले से ही ऑलरेडी बन के आएगा। तो दोस्तों ये हमने स्किल्स का जो फॉर्म एरे है यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट फाइल में सेटअप कर लिया। अब हम चलते हैं इसके एचटीएमएल फाइल में और इसको वहाँ पे यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको यूज कर रखा था फॉर्म एरे नेम में स्किल्स। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें इस बटन के क्लिक पे ये जो हमारा इनपुट है इसको रिपीट करना है। तो हम इसको ले लेते हैं एक एनजी कंटेनर में ताकि हम उस पर एनजी फोर यूज कर पाएंगे फिर। अब दोस्तों इसमें हमें क्या लिखना है, स्टार एनजी फोर, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लेट स्किल, स्किल लिख लेते हैं ऑफ। अब हमारे फॉर्म का नाम क्या है, माई रिएक्टिव फॉर्म डॉट। अब हमें यूज करना है गेट, जैसे हम गेट अभी तक यूज करते आए हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था गेट। अब उसके बाद गेट के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट देना है, और उसमें हमें यूज करना है ये स्किल्स। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं, और इसके बाद हमें क्या करना है, डॉट कंट्रोल्स। इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट करे स्किल्स वाले जो फॉर्म एरे के कंट्रोल हैं उनको यहाँ पे रिपीट करे। तो इसको एक बार सेव करके चेक करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब दोस्तों हम क्लिक करते हैं एड स्किल्स वाले बटन पे, तो दोस्तों ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी बटन का मेथड लिखा नहीं है। फिलहाल हम ये एरे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे एड स्किल्स का एक इनपुट पहले से आ रहा है। अब हम इसमें एक काम करते हैं, हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में और यहाँ पे इसको दो तीन और ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ तीन फॉर्म कंट्रोल ऐड कर लिए, अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ पे ऐड स्किल्स के तीन इनपुट बॉक्स आ रहे हैं, हम इनके बीच में थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लास यूज कर लेते हैं MT2 यानी कि मार्जिन टॉप 2। अब चल के चेक करते हैं, तो दोस्तों अब ये थोड़ा ठीक दिख रहे हैं, इनके बीच में थोड़ा स्पेस दिख रहा है। तो दोस्तों अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा ये वाला जो लॉजिक है NG4 वाला ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं कि ये इस पे वैलिडेशन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इसको अगर इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन की कोई भी क्लास नहीं लग रही, ये एनजी इनवैलिड और एनजी टच्ड वगैरह। अब उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड ये यूज किया था, हमें यहाँ पे भी यही यूज करना है। अब हम इसको चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों अगर हम अब इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो भी यहाँ पे कोई वैलिडेशन वर्क नहीं कर रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इन फील्ड पे फॉर्म कंट्रोल नेम यूज नहीं किया। तो हम वो चल के यूज करते हैं। अब हम यहाँ लगाते हैं फॉर्म कंट्रोल नेम, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि इस फॉर्म कंट्रोल में हम क्या वैल्यू लिखें, क्योंकि जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो वहाँ पे रिपीट हो जाएगी, तो सारे फॉर्म कंट्रोल में एक ही नेम होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करना है, हमें इसकी इंडेक्स वैल्यू देनी है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंडेक्स एज आई, और यहाँ पे हम दे देंगे आई। अब हम इसको चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे एनजी टच्ड और एनजी इनवैलिड ये क्लास अब लग रही है, यानी कि अब यहाँ पे वैलिडेशन वर्क कर रही है। अब मैं अगर दूसरी फील्ड पे टच करके अगर बाहर क्लिक करता हूँ तो इस पे भी वैलिडेशन वर्क कर रही है, और इसी टाइप से इन सब पे वैलिडेशन वर्क कर रही है। तो दोस्तों हमने फॉर्म एरे की सारी फील्ड को यहाँ पे NG4 के थ्रू रिपीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस एड स्किल्स के बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे डायनेमिकली स्किल्स को ऐड करना है। अब वो करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड में। अब इस बटन पे हम एक मेथड बना लेते हैं ऑन एड स्किल्स, इसको हमें क्लिक पे बनाना है और इसको रखना है डबल कोट में। अब इस मेथड को हम चल के बनाते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब दोस्तों हमें इस बटन के क्लिक पे क्या करना है, हमें इस फॉर्म एरे में एक फील्ड को और ऐड करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पुश मेथड। तो हमें क्या लिखना है, दिस डॉट माई रिएक्टिव फॉर्म डॉट गेट, अब यहाँ पे वही स्किल्स, इसके बाद डॉट पुश, और यहाँ पे क्या लिखना है, न्यू फॉर्म कंट्रोल नल। अब दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अब वो एरर पुश करने पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं फॉर्म एरे के कंट्रोल्स को। तो इसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये हम किस चीज में पुश कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्म एरे का। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्म एरे और इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में और ब्रैकेट यहाँ बंद करेंगे। तो अब ये एरर यहाँ से चली गई है। अब दोस्तों हम इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं। अब हम अगर इस ऐड स्किल्स पे क्लिक करें तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे स्किल्स ऐड होती जा रही हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये दो फील्ड हटा लेते हैं, शुरू में हमें सिर्फ एक ही चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे शुरू में सिर्फ एक ही स्किल का इनपुट आ रहा है। अब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों अब यहाँ स्किल्स ऐड होती जा रही हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले वाली स्किल्स पे क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये रेड हो गई है। अब दूसरी पे करते हैं
बाहर करते हैं तो यहाँ पे एक रेड नहीं हुई, और यहाँ पे इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो यहाँ अभी भी क्लास ng वैलिड है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन वर्क नहीं कर रही। और वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जब हमने यहाँ पे ये कंट्रोल पुश किया है तो यहाँ पे हमने वैलिडेटर स्टोर रिक्वायर्ड को यूज नहीं किया, तो हमें यहाँ पे वो यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम थर्ड वाली पे क्लिक करके बाहर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेशन वर्क कर रही है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो न्यू फॉर्म कंट्रोल, ये इतनी लंबी लाइन हो गई है, इसको हम आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब इसको बाहर एक डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल में एक कॉन्स्ट बनाते हैं, उसमें इसको रख लेते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पे कॉन्स्ट का नाम देना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं कंट्रोल, और इस कंट्रोल को यहाँ पे रख देते हैं। अब चेक करते हैं हम इसको। तो दोस्तों अब भी वर्क कर रही है, उस पर क्लिक करके बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ वैलिडेशन भी वर्क कर रही है। तो दोस्तों आपने देखा, हम इस टाइप से फॉर्म एरे को यूज कर सकते हैं और डायनेमिकली मल्टीपल इनपुट फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इससे आगे के कंसेप्ट हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिएक्टिव फॉर्म के आगे के कॉन्सेप्ट्स। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।